अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 23, पार्ट ए, रीडिंग पेज नंबर 29 to 33। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 29। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान उर्वाजिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7, मेन क्रॉप्स, वीट। वीट फॉर ब्रीड इज़ द मेन ग्रेन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। इट कैन बी ग्रोन इन ऑलमोस्ट एनी प्लेस वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल, बट द चीफ एरिया इज़ इन द करनाल रीजन ऑफ द पंजाब। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच कैन ग्रो इनफ वीट टू फीड ऑल इट्स पीपल। द इरीगेशन नेटवर्क फ्राम द इंडस, झेलम, पंजाब, रावी एंड सतलुज रिवर्स प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन द पंजाब एंड सिंध। वीट जो है स्पेशली ब्रेड, मतलब रोटी वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और ये ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन पे उगाई जाती है, जरहेज़, और जो कि करनाल रीजन है पंजाब का, जिसके साथ नहरें अटैच हो रही हैं, वहाँ पर उगाई जा रही है। पाकिस्तान जो है अपनी वीट की जो क्वांटिटी है उसको कंप्लीट करता है, ये एक लकीर बात है, और इरीगेशन जो है वो झेलम, चनाब, रावी, सतलुज रिवर्स के साथ इसकी मुंसलिक है। कॉटन, कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध, ये लोअर पंजाब और सिंध में ग्रो की जाती है। दिस इज़ ईजिली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर द मनी एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। रॉ कॉटन, कॉटन क्लॉथ, यर्न, क्लॉथिंग एंड कैनवस आर बाय फार ओवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स के ये नेम है और इससे हम सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कॉटन एंड कॉटन गुड्स मेकअप मोर देन 60% ऑफ ऑल पाकिस्तान गुड्स सोल्ड ओवरसीज एंड ब्रिंग टू द कंट्री ओवर $2.5 बिलियन आई ईयर। कॉटन और कॉटन से बनने वाली चीज़ें हमारी तकरीबन 60% हम कंट्रीज़ को बेचते हैं, और उसे 2.5 बिलियन जो $ है वो कमा रहे हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स कॉटन, और 10% कॉटन जो है दुनिया में इस्तेमाल होने वाली पाकिस्तान में ग्रो की जा रही है। नेक्स्ट, राइस। राइस नीड्स हैवी वेट सॉइल एंड अ वार्म क्लाइमेट। इसको हैवी वेट, गीला और वार्म क्लाइमेट चाहिए। इट ग्रोज इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ रीजनेबल रेनफॉल, उन एरियाज़ में उगती है जहाँ सही बारिश हो, बट इज स्टिल नीड्स इरीगेशन, लेकिन फिर भी इसको पानी की ज़रूरत है। द मेन राइस ग्रोइंग एरियाज़ आर नॉर्दर्न पंजाब एंड सिंध। द लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इज़ मच वैल्यूड ओवरसीज फॉर इट्स क्वालिटी एंड अरोमा। जो बासमती राइस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अपनी क्वालिटी और अपनी खुशबू के लिहाज से। राइस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान जो है वो राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड ब्रिंग्स इन ओवर $ इन फॉरेन एक्सचेंज टू दी कंट्री, और फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारी कंट्री में इस ये जो है इससे ये तकरीबन 8 बिलियन 70 मिलियन तक ये जो है इसे हम कमा रहे हैं। ग्राम पल्सिस, बीन्स, पीन्स एक्सेट्रा, दीज आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट एज दे हैव लॉट ऑफ बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन। इनमें बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ मीट। इसके अलावा मीट से हमें प्रोटीन मिलता है, बट पल्सिस आर ईजियर टू कुक, लेकिन दालों को पकाना आसान है। दे आर मच चीपर देन मीट एंड कैन बी ग्रोन एज ईजिली एज वेजिटेबल्स। ये वीट की नस्बत चीपर हैं और इनको ईजिली उगाया जा सकता है। ओके, दे आर मच चीपर देन मीट एंड कैन बी ग्रोन इजी। फाइंड आउट मोर नेम्स, हमने इनके नेम्स वगैरह जो है यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट आज शुगर केन। शुगर केन नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। इट इज़ ग्रोन मेनली इन द पंजाब एंड सिंध एंड सम इन खैबर पख्तून हुआ। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तून में उगाया जाता है। शुगर केन इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड गुड़। गुड़ इज़ अनरिफाइंड ब्राउन शुगर यूजअली इन लम्ब्स, नॉट क्रिस्टल्स। ये लम्ब्स में होते हैं, क्रिस्टल में नहीं होता। गुड़ देखा ना आपने। द शुगर केन हैज़ टू बी प्रेस्ड टू स्क्वीज आउट द जूस। इससे इसको प्रेस किया जाता है, जूस निकाला जाता है एज पॉसिबल आफ्टर कटिंग और इट लूजेज इट्स फ्लेवर। तक जितनी जल्दी कट है उतनी जल्दी इसको पकाया जाता है। द जूस इज देन बॉइल डाउन टू वेपोरेट द वाटर एंड टू मेक शुगर एंड गुड़। इसको इतना पकाया जाता है कि पानी उड़ जाता है और इसमें से शुगर और गुड़ जो है वो अलग हो जाती है। द रिमेन्स ऑफ द केन आफ्टर द जूस हैज़ बीन प्रेस्ड आउट एंड ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल एज दे आर यूज फॉर एनिमल फूडर एंड वेजिस यूज फॉर फ्यूल। ठीक है, जो इसका बाकी बचता है ना बुरादा, उसको एनिमल्स के फूड के लिए और जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ग्रोस ऑल द शुगर इट नीड्स फॉर इटसेल्फ एंड स्टिल हैज़ इनफ लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट यूजुअली एज मोलेसिस। मोलेसिस इज अ थिक स्वीट रेजिड्यू फ्रॉम द बॉइलिंग प्रोसेस। द बेस्ट क्वालिटी इज यूज इन कुकिंग एंड मेकिंग स्वीट्स, द लोअर क्वालिटी फॉर एनिमल फूड। ये जो है पाकिस्तान इतनी शुगर उगाता है कि अपनी कंजप्शन भी पूरी होती है और इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। मोलेसिस जो है ये एक थिक कलर का स्वीट सा रेजिड्यू होता है जिसको कुकिंग और स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो लो क्वालिटी है इसको एनिमल फूड के लिए। माइज
मेज कॉर्न इज ग्रोन मेनली फॉर एनिमल फूड एंड व्हेन द ग्रेन्स आर क्रश्ड दे प्रोड्यूस कॉर्न ऑयल। इसको एनिमल फूड के लिए यूज़ किया जाता है, इनको जब तोड़ा जाता है तो इससे कॉर्न ऑयल बनता है। इट इज़ आल्सो ग्राउंड इनटू फ्लोर एंड ईटन एज ब्रेड बाय द लोकल पीपल। इससे आटा भी बनता है और एज अ ब्रेड भी इसके यूज़ किया जाता है। कॉर्न फ्लोर इज आल्सो यूज इन प्रोसेस्ड फूड्स एंड द कर्नल इज मेड इनटू पॉपकॉर्न्स। ठीक है, पॉपकॉर्न्स और कॉर्न फ्लोर्स का यूज़ है। मेज डज नॉट नीड वेरी रिच सॉइल, इसके लिए ज़्यादा अच्छी सॉइल ना भी उग जाता है। बट इट डज नॉट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फेयरली वार्म टेम्परेचर, लेकिन इसको प्लेंटी ऑफ वाटर की ज़रूरत है और टेम्परेचर भी वार्म होना चाहिए। इट इज़ ग्रोन मेनली इन नॉर्दर्न पाकिस्तान और ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में उगाई जाती है। नेक्स्ट है बाजरा एंड जवार। दीज आर टफ ग्रेन्स दैट ग्रो इन पुअर सॉइल एंड रिक्वायर लिटर वाटर। ये टफ ग्रेन्स है जो पुअर सॉइल में भी उग जाते हैं और कम पानी में भी। दे टू आर ग्रोन मेनली फॉर एनिमल फीड बट द लोकल पीपल ईट दैम एज वेल। इनको एनिमल फीड के लिए यूज़ भी किया जाता है, लोकल लोग इसको यूज़ भी करते हैं, स्पेशली इन विंटर सर्दियों में। दे आर ग्रोन मेनली इन द पंजाब एंड सिंध, ये पंजाब और सिंध में उगाई जाती हैं। ऑयल सीड्स बटर इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर इन हॉट कंट्रीज। ठीक है, ये हॉट कंट्रीज़ में इसको एक जगह दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है और एक्सपेंसिव है। सो मोस्ट कुकिंग इज़ डन यूजिंग ऑयल प्रोसेस्ड फ्रॉम सीड्स। ज़्यादा कुकिंग ऑयल से ही की जाती है। कुकिंग ऑयल कम्स फ्रॉम प्रेस्ड कॉटन, ये प्रेस्ड कॉटन से रेप मस्टर्ड सेसम सनफ्लावर एंड कॉर्न सीड से जो है कुकिंग ऑयल निकाला जाता है। दीज आर ग्रोन ऑल ओवर द पाकिस्तान बट स्टिल मोर देन हाफ द ऑयल यूज हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। ठीक है, हाफ जो जो है हम फिर भी बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं, हमारी फिर भी कंजप्शन पूरी नहीं होती। मोर पीपल हैव स्विच्ड टू यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ एनिमल फैट एंड बटर एज इट इज़ बेटर फॉर देयर हेल्थ। सोयाबीन ऑयल विच इज़ इम्पोर्टेड इज़ अ पॉपुलर चॉइस। ठीक है, लोगों को जो है फैट और बटर जो है उसके यूज़ करने की जगह ऑयल की यूज़ करने की तरफ इंसिस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रूट्स। अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर फ्रूट्स सच एज एप्पल एप्रिकॉट पियर पीचेस प्लम्स मैंगोज ग्रेप्स डेट्स गावर्स एंड बनानास एंड सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट्स। पाकिस्तान प्रोड्यूसेज अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी मैंगोज एंड ऑरेंज। पाकिस्तान में मैंगोज और ऑरेंज की हाई क्वालिटी जो है वो उगाई जाती है। दीज आर रैपिडली ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एज यू कैन सी इन द फेसिंग चार्ट। हम नेक्स्ट जो चार्ट है उसमें देखेंगे ये कैसे इनकी ग्रो हो रही है। डेट्स आमंड्स वेजिटेबल्स एंड टोबैको आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये भी मुल्क के बहुत से हिस्सों में उगाए जाते हैं। फ्रूट्स इज ग्रोन प्राइमरली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में फ्रूट्स उगाए जाते हैं विच इज़ ऑफन नॉट सूटेबल फॉर मैनी अदर काइंड्स ऑफ, क्योंकि वहाँ पर और किस्म की एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती। फ्रूट इज़ अ स्टेडली ग्रोइंग एक्सपोर्ट क्रॉप ब्रिंगिंग इन मोर देन $7.3 million अ ईयर। और इससे हम इसको एक्सपोर्ट करके $7.3 million हर साल कमा रहे हैं। ये एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर क्रॉप्स दी गई हैं, उनकी क्वांटिटी बताई गई है 1961 में और अब बताया गया है 2007 में क्या क्वांटिटी है। इसी तरह से क्रॉप्स हैं इंडिया में किस देशों से हैं, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में इनका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर रीडिंग कम्प्लीट होती है। अब नेक्स्ट आप पार्ट टू प्ले कीजिए जिसमें मैं आपको पेज नंबर 34 एंड 35 की रीडिंग करवाऊँगी। ओके, प्ले द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।